हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का NCERT गणित कक्षा 9वीं में। और आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर लंब हैं। देखिए आकृति 8.21। ये जो दसवां प्रश्न है ना, इसके साथ हमें एक आकृति दी गई है। तो ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति के आधार पर यदि आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप यहाँ पे देखिए A B C और ये D, ये एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इसमें क्या लिखा है, AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर लंब है। कौन कौन से, AP और CQ। ये देखिए, ये एक लंब है AP, तो यहाँ पे 90 बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, लंब है। तो ये जो विकर्ण BD है ना, इस पर ये लंब है, कौन, AP। और उसी तरीके से इसी विकर्ण BD पर एक और लंब है, ये CQ। तो एक लंब हो गया AP और दूसरा लंब हो गया CQ। आया समझ में, एक लंब कौन सा है AP और दूसरा लंब कौन सा है CQ। किस पर हैं ये दोनों, ये विकर्ण BD पर हैं। ये विकर्ण दिख रहा है ना BD पर, तो विकर्ण BD पर शीर्ष A से एक लंब है AP और शीर्ष C से एक लंब है CQ। आप देख सकते हैं AP और CQ शीर्षों A और C से, यानी A से और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। ये देखिए, ये विकर्ण BD है ना, तो इस पर क्या है, ये लंब है। देखिए आकृति 8.20। तो ये जो आकृति है ना, सॉरी 8.21 है ये आकृति। कौन सी है, 8.21 ये आकृति है। इसमें हमें ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन से ही उठा लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए, अब अगर समांतर चतुर्भुज है यहाँ पे देखिए, तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसके समांतर दो सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती हैं। तो जितनी ये AB होगी उतनी ही ये DC होगी। तो असल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर DC, यही होगा ना, AB बराबर DC और DA बराबर CB तथा DA बराबर का चिन्ह लगा के लिखा CB, ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं। तो ये हमने लिख लिया, ये इसके बराबर है और ये डबल डैश जो हम बना रहे हैं ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिंगल सिंगल के बराबर और डबल डबल के बराबर। इसके बाद लिखा है तथा AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर लंब है। तो इसका मतलब है, लंब का मतलब है कि ये जो कोण P है, कोण P ये 90 डिग्री का है और ये जो कोण Q है ये भी 90 डिग्री का है। कोण P और कोण Q दोनों कितने हैं, 90 के, ये भी हमें दिया गया है। अब दर्शाना है, दर्शाने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे
सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ये दोनों चीज़ें, तो ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन देख के ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने वहीं से देख के लिखी है। अब जब भी हमें सिद्ध करना होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। ये हेडिंग तभी डलेगी जब हमें कुछ सिद्ध करना हो, तो हमने लिखा उपपत्ति। अब उपपत्ति में यहाँ पे देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। सबसे पहला जो हमें सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे पहला हम सिद्ध करेंगे। पहले इसके दो पार्ट हैं सिद्ध करने के। तो पहला जो है हमें दो त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल करनी है, तो हम दोनों त्रिभुज यहाँ पे ले लेंगे। कौन कौन से, ए पी बी, जो कि यहाँ पे देखिए कहाँ बना है, ए पी बी ये वाला, और दूसरा कौन सा, सी क्यू डी, सी क्यू डी ये वाला, आप देख रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ए पी बी कहाँ बना है। ये देखिए ए पी बी दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये त्रिभुज दिख गया, ए पी बी, ये हमें पहला, और दूसरा ये वाला सी क्यू डी, इसको भी मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, सी क्यू डी, ये देखिए सी क्यू डी ये वाला त्रिभुज। तो ये हो गया एक पहला त्रिभुज और ये हो गया दूसरा त्रिभुज। तो ए पी बी और सी क्यू, ये देखिए सी क्यू डी दिख गया, सी क्यू डी ये वाला। अब इनमें हमें सर्वांग समता हासिल करनी है, तो दोनों त्रिभुजों को लिख लेंगे। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब इनमें हमें सर्वांग समता हासिल करनी है, तो इनमें हमें तीन समानताएं देखनी हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, आइए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें त्रिभुज ए पी बी की, ये वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसमें ये जो ए बी भुजा है और दूसरा त्रिभुज जो है डी या सी क्यू डी ये वाला, देखिए इसमें जो ये डी सी भुजा है ये आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, आपको मालूम है। तो ए बी हमारे पहले त्रिभुज की भुजा है और डी सी हमारे दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये पहले से ही हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि ऐसी स्थिति में जो ए बी है ये हमारा डी सी के बराबर है, ये हमें दिया है। ये देखिए ए बी भुजा डी सी के बराबर हो गई। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा ये होगा कि यहाँ पे 90 बना है तो इस तरफ भी 90 ही बनेगा। तो ये जो 90 है कोण पी, हमारे त्रिभुज इसमें आता है ए पी क्यू, ए पी ए बी में, ये देखिए ये 90 अंश आ गया, यहाँ पे आया कि नहीं आया, और यहाँ पे भी 90 आएगा इस तरफ। तो ये हमारे त्रिभुज किस में आता है, सी क्यू डी में, आप देख रहे होंगे सी क्यू डी में, ये 90 यहाँ पे आता है। तो हम लिखेंगे कि कोण पी बराबर कोण क्यू, ये लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है, हो गया। अब तीसरी समानता क्या है, तीसरी समानता यहाँ पे यदि हम देखें तो ये है कि इस त्रिभुज में जो कोण बी बनेगा, ये वाला जेड आकृति का कोण यदि हम देखें तो उतना ही यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि ये विकर्ण है बी डी,
और ये दो समांतर रेखाएं हैं DC और AB, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं से ये जो बनता है ना, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा Z बन गया। देखो ये बनेगा नहीं, ये देखो बनेगा, ये Z बन रहा है ना। मैं यहाँ पे आपको डार्क करके बताता हूँ Z, ये देखिए, ये आपको Z दिख रहा होगा, दिखा, ये Z। तो जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABP, इसको बताना है तो कैसे बताओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे ABP, तो कोण ABP किसके बराबर होगा, CDQ के, क्योंकि ये वाला कोण बताना है तो कैसे पढ़ोगे, CDQ, कोण CDQ के, और ये है एकांतर कोण, इसलिए बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एकांतर कोण है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें तीन समानताएं मिल चुकी हैं, 1, 2 और 3। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध हो जाएंगे, सर्वांग समतल लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABB सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज CQD के, इसके लिए शर्त कौन सी लगी है, कोण भुजा कोण, भुजा कोण कोण ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं भुजा कोण कोण, लिखेंगे सर्वांग समता से, यहाँ पे हम लिख देते हैं। सर्वांग समता से, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये वाला और ये वाला, 1 और 2, तो इनके संगत अवयव में अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, है ना। तो हम लिखेंगे कि AP बराबर CQ, क्यों, क्योंकि हमारा त्रिभुज ABP जो है ये CDQ के सर्वांग सम हो गया है, तो ये वाली भुजा इसके ही बराबर हो जाएगी। ये कैसे आया, ये सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमें ये भी सिद्ध करना था और ये भी सिद्ध करना था। आप देखिए AP बराबर CQ भी सिद्ध करना था, तो ये जब सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव से अपने आप ही प्रूव हो जाता है, तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर का भी सिद्ध हो गया है और ये फर्स्ट नंबर का, तो ये दोनों सिद्ध हो चुके हैं। तो बस आपको इसी तरीके से इसे करना है। अब आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी नोटबुक में, ये क्वेश्चन, ये चित्र, और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, ये देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।